कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम चल रहे हैं बनाने ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में तो पता चल गया ना आपको प्रीवियस ब्लॉग देख के कि हम क्या बना रहे हैं। प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देख लीजिए। कल था हमारा उपवास तो आज सुबह सुबह कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है तो हम बनाने जा रहे हैं मैगी। हाँ जी, मैगी रेसिपी रहने दो, आप लोगों को पता है मैं कैसी मैगी बनाती हूँ। मैं हूँ मेरी बालकनी में, कभी कभी मन करता है आ जाऊँ बालकनी में, काफ़ी टाइम बाद आई हूँ बालकनी में। यस, तो 3 बार तो हो गया, अब इस वर्ड को रिपीट नहीं करूँगी। यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, देख रहे हो? 3 प्लांट हमारे सूख गए, घर जाते हैं तो ऐसा ही होता है, जबकि अच्छे से पानी डाल के गए थे बालकनी वाले प्लांट्स। ये पहले जो सूखे थे हमने सोचा था कि हो सकता है सही हो जाए पानी वानी डाल के, बट सही नहीं हुए। तो चलो चलते हैं, भूख लगी है बहुत तेज़ से, बहुत तेज़। सबसे पहले इसे बंद करें नहीं तो बाबू खोल लेता है। और इसके बाद हमारा काढ़ा बन के तैयार हो गया, हम लोग सुबह चाय नहीं इस टाइम काढ़ा पी रहे हैं, चाहे जो हो जाए, कोरोना चाहे जो करा दें। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर मेरी सारी सब्जियाँ मैंने काट के रख ली हुई हैं, जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा मटर। मैंने एक टमाटर और एक प्याज लिया हुआ है, 3 हरी मिर्च छोटी वाली और थोड़ा सा मटर। पानी यहाँ पर मैंने रख दिया उबलने के लिए, पानी हमारा उबल गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे क्या, प्याज। तो प्याज डाल देंगे, प्याज जैसे ही उबल जाएगा उसमें हम डाल देंगे टमाटर। प्याज को पहले उबाल लेना है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर मैगी भी हमने निकाल ली हुई है, अब टमाटर डाल दे रहे हैं। आप देख सकते हो प्याज उबल गया था, टमाटर उबल गया, अब हम हरी मिर्च डाल रहे हैं। अब हरा मटर आपको डालना है, बनाइएगा, इतना टेस्टी बनती है मैगी कि एक बार बनाओगे तो बार बार बना के खाओगे। हल्का सा नमक डालना है क्योंकि हमने सब्ज़ियाँ अलग से डाली हुई हैं। तो ये देखिए सारी सब्ज़ियाँ अच्छे से पक गई हैं, कुक हो गई हैं। तो अब इसमें आपको डाल देना है मैगी, थोड़ा सा उबाल आ जाने दीजिए, अच्छे से पक जाए सब्ज़ी, नहीं तो प्याज कच्ची कच्ची रह जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ियाँ अच्छे से पक गई हैं, अब हम इसमें डाल सकते हैं हमारा मैगी। मैं यहाँ पर ही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे जो यूज कर सकते हैं। मैगी मसाला हम लोग नहीं यूज करते हैं, उसकी जगह हम लोग सब्ज़ी मसाला यूज करते हैं। मसाला मसाला क्या होता है बताइएगा, मसाला मसाला, मुझसे यही गलती होती है यार, मैं इतनी कोशिश करती हूँ बन ही नहीं पाता। कमेंट बॉक्स में जब लिखा रहता है ना मसाला मसाला में आपको अंतर नहीं पता तो बड़ा दर्द होता है यार। मैं कोशिश करती हूँ सीख जाऊँ लेकिन नहीं हो पाता, बट कोई नहीं, सीख तो जाएंगे, सीखेंगे ही। यहाँ पर मैं एवरेस्ट सब्ज़ी मसाला यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको डालना है, इससे टेस्ट पूरा बदल जाता है। मैगी मसाला हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है तो इसलिए हम लोग उसे अवॉइड करते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैगी बन रही है, सो यहाँ पर हमारी डंडन मैगी बन के रेडी हो गई है, जूसी मैगी। किस किस को जूसी मैगी पसंद है? वाह, माउथ वाटरिंग। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ कलश नहीं रखा गया है तो इसलिए हम लोग प्याज लहसुन यूज करते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि नवरात्रि में आप प्याज लहसुन यूज करते हो, तो हमारे यहाँ जब कलसर नहीं रखा जाता तो हम लोग खाते पीते हैं। सो चलो खा लेते हैं, इसके बाद हम आप लोगों से मिलेंगे। अच्छा हाँ, जब तक मैं खा रही हूँ तब तक आप लोग ना एक सीट मास्क का रिव्यू देख लीजिए। काफ़ी टाइम से मैंने कोई सीट मास्क नहीं लगाया तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ओपन फ्रेग्रेंस, इसकी माइंड ब्लोइंग है। आपको ना सप्ताह में एक बार जरूर लगाना चाहिए सीट मास्क। जब लगे कि आपका फेस काफी ज्यादा ड्राई लग रहा है तो इसे लगाइए ऊपर ना, इसे लगा लीजिए। इसके बाद यहां से ना, ओफो आज मुझे मेरा हेयर बैंड नहीं मिला, यहाँ से आपको ये चीज़ निकाल देनी है, ये चीज़। अब इसे 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। तो चलो 15 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
एक्स्ट्रा जो इसमें एसेंस है ही नहीं, पूरा सीट में ही है, आप अपने हाथों में लगा ले। चलो 15 मिनट तक मैं तब तक कोई गाना वाना लगा लेती हूँ, सुनती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इस प्रोडक्ट का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लिंक के थ्रू जाइए ले लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ पर्पल से हाई टू यूथफुल स्किन माइक्रोफाइबर सीट मास्क विथ ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट। इसका सेपरेट रिव्यू मैंने मेरे प्रियादीप चैनल पे शेयर किया हुआ है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप लिंक के थ्रू जाइए देख लीजिए। आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, लंबे टाइम तक फेस को मॉइस्चराइज किए रहता है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो प्रियादीप चैनल पे फुल रिव्यू है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलो मैं आपको थोड़ी चीज़ें यहाँ पर भी दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जब आप पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि कोई आपको कुछ समझा रहा है, सिखा रहा है, कोई अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा है। हाय, आई एम ब्लूबेरी सीट मास्क, आई एम एक्सट्रीमली टैलेंटेड इन एनहेंसिंग द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ योर स्किन एंड कीपिंग इट प्लम्प। अगर आपको प्लम्पी स्किन पसंद है तो एक बार इसे यूज कीजिएगा। आई डोंट रियली लाइक द लुक ऑफ फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स, सो आई कीप देम मेल्स अवे फ्रॉम योर स्किन। माई सुपर पावर्स इंक्लूड कीपिंग योर स्किन यंग एंड रेडियंट। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। एक्चुअली मैं बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर रही हूँ, कहीं कहीं पर लाइटिंग ना ज़्यादा फोकस कर रही है तो वर्ड अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो एक मिनट मैं लाइट बंद करके आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से मेंशन है। अगर आपको फाइन लाइन्स रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज कर सकते हो, और ये आपकी स्किन को ना काफ़ी अच्छी तरीके से ग्लोई बना देता है, फाइन लाइन्स रिंकल्स को रिमूव करता है। यहाँ पर हाउ टू यूज़ मेंशन है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन मिल जाएंगी। अफोर्डेबल रेंज का है तो चलो हम इसे लगा के दिखाते हैं आपको। बेटा बुलाए झट दौड़ी चली आए माँ, बेटा बुलाए आ गए हमारे बेडरूम में। सो इसको हम निकाल दे रहे हैं, 15 मिनट से ज़्यादा हो गया, ये सूख चुका है। देखिए थोड़ा बहुत एसेंस है इसमें, तो वाह फीलिंग सो गुड। यस, ए ओवर आई थिंक, 5 रुपए काट लो। तो बस बिंदी, ओके। तो इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू जाइए ले लीजिए। अब चलिए आगे की रेसिपी देख लीजिए। सो सबसे पहले मैंने पालक को अच्छे से धुल के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई में रख दे रही हूँ उबलने के लिए, उबाल के इसको पीस लेना है आपको। तो चलो गैस ऑन कर देते हैं, पालक उबाल लेते हैं ढक के। तो यहाँ पर हमारी जब तक पालक उबल रही है तब तक हम और भी इसमें जो इंग्रेडिएंट लगना है तैयार कर लेते हैं, प्याज टमाटर पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर और पालक इन तीनों को पीस लिया हुआ है अलग अलग से। थोड़ी सी आपको कटी प्याज भी लेनी है। तो ये देखिए, आप अपने हिसाब से ग्रेवी तैयार कर सकते हो, हम यहाँ पर 2 जन हैं तो उसी के हिसाब से तैयार किए हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, आज हम नॉन स्टिक नहीं यूज कर रहे हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, हम इसे इसमें तेल डाल दे रहे हैं, सरसों का तेल। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। जब तक हमारा तेल पक रहा है, इधर हमने पनीर भी कट करके रख लिया है। आज मैंने आप सबको ये सारे प्रोसेस नहीं दिखाया, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता। काफ़ी सारी बार मैंने दिखा दिया है पनीर कट करते हुए। तो यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम जीरा डाल दे रहे हैं। जीरा जैसे ही क्रैक होगा इसमें हम छोटे टुकड़ों में कटी हुई प्याज जो रखे हुए हैं उसको डाल देंगे। देखिए प्याज हमें कुछ देर तक भुनना है, अब हम इसमें प्याज की प्यूरी डाल दे रहे हैं। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा, नीचे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा, तब तक हम प्याज को पकाएंगे की जगह। सो थोड़ा सा टाइम लगता है, फ्लेम आपको लो रखनी है। तो यहाँ पर हमारी प्याज आप देख सकते हो गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करके भी हमको पकाना है कुछ देर तक, फ्लेम को मीडियम ही रखनी है आपको।
तो इधर हमारा जो टमाटर का ग्रेवी है वो भी पक गया है, तो हम नमक डाल दे रहे हैं। इसको कुछ देर हम मिक्स कर देंगे और छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम इसमें डाल दे रहे हैं पालक की प्यूरी जो हमने पीस करके रखी हुई है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे थोड़ी देर तक। तो ये देखिए, बीच बीच में आपको चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से लग जाएगी। अब आपको इसमें सारे मसाले ऐड कर देने हैं, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर। इन सारे मसालों को आपको ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। बस थोड़ी देर इसको भी पकने देना है, छोड़ देना है ताकि मसाला आपका अच्छे से पक जाए। अब इसमें आपको डाल देना है पनीर जो आपने टुकड़ों में काट करके रखी हुई है। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट हम यहाँ पर फ्राई नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही डाल दे रहे हैं, अच्छी लगती है खाने में। इसको भी अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं हम। अब पानी डाल के मिक्स कर देना है और ढक देना है। पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है, मेरा यही कहने का मतलब था, आप लोग समझ भी गए होंगे। अब इसको ढक के पकाना है आपको, और जब ये पक जाएगी ना तो जो बुलबुले आ रहे हैं सब्जी में बंद हो जाएगी अपने आप ही। तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी जो पालक पनीर है वो बन के रेडी है। मैं जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ तो हमेशा निशा बधुलिका मैम को देख लेती हूँ फिर बनाती हूँ, नहीं तो मुझसे मिस्टेक हो ही जाती है। तो आज भी मैंने उन्हीं की रेसिपी देख के बनाई हुई है। इसके बाद आपको कस्तूरी मेथी डाल देनी है, आपकी पालक पनीर रेडी हो गई है। और हाँ, हम लोग, हमारे यहाँ व्रत नहीं है जैसा कि हमने बताया, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग पूड़ी निकाल रहे हैं, मीठी पूड़ी। पालक पनीर के साथ मीठी पूड़ी काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, सो इसलिए हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सब रेडी हो गया, अब हम लोग चल रहे हैं लंच करने। आप लोग भी आ जाओ, देखिए कितनी टेस्टी बनी हुई है पालक पनीर। हाँ जी, सो अभी दोपहर के बज गए हैं 12, और आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं बताओ। सुबह दोपहर का 12 या रात का 12? तो अभी हम लोग लंच करने जा रहे हैं। हाँ, तो लंच में हमारे यहाँ क्या बनाया आपने देख ही लिया, पालक पनीर पूड़ी, मीठी पूड़ी है। हम लोगों को मीठी पूड़ी काफी पसंद है। इसके बाद कल शाम में साबूदाने की खीर बनी थी, हम लोग भूखे थे। कल भूखे थे तभी आज कुछ ज़्यादा ही खाने पे हम लोग जुटे हुए हैं। सुबह मैगी, इसके बाद क्या क्या खा लें, एक ही दिन में ये हाल है। काफ़ी सारे लोग 9 दिन रहते हैं। कल दोपहर के बाद जब से हमने लंच करा तब से हमने कैमरा नहीं उठाया, और अभी मुझे याद आया कि यार हमने ब्लॉग का एंड तो करा ही नहीं है, सो हमने सोचा कि हमें ब्लॉग का एंड कर लेना चाहिए। ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अब दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोई वीडियो रिक्वेस्ट या वो सजेशन तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लॉट्स ऑफ लव गाइज, बाय, गुड नाइट। अच्छा हाँ, वीडियो को लाइक करके जाना, बाय।